गुणपिपरी तहसील के तारसा बुजुर्ग में मोटर पंप में किसान द्वारा लगाए गए केबल तार को चोरों ने चंपत किया। खेत को पानी देने के लिए किसानों ने नदी के किनारे मोटर पंप लगाया था और इस मोटर पंप पर चोरों की नजर पड़ी तो उन्होंने विद्युत खंभे से मोटर पंप जोड़ने वाले केबल को चोरी कर लिया और इस संबंध में तकरीबन 17 किसानों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और यह घटना वैनगंगा नदी के किनारे स्थित तारसा बुजुर्ग की है। चंद्रपुर जिले की गुणपुरी तहसील के आने वाले तारसा बुजुर्ग यह गाँव वैनगंगा नदी के किनारे पर है और यहाँ की खेती नदी के किनारे पर होने से सिंचाई के लिए अनेक किसानों ने नदी किनारे मोटर पंप लगाए हैं। इन मोटर पंपों को विद्युत खंभों से विद्युत की आपूर्ति केबल द्वारा की जाती है और ये जोड़ने वाले केबल काफी महंगे हैं और लगभग 15 दिनों के भीतर अनेक किसानों के मोटर पंप को जोड़ने वाले इस केबल को चोरों ने उड़ा लिया। इसी संबंध में 17 किसानों ने मिलकर गोंडपिपरी पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। आज आमच्या तारसा बुजुर्ग येथील वैनगंगा नदी किनाऱ्यावरील मोटरपंप बसवलेले होते तेथून नदीवरून 17 मोटरपंपाचे केबल चोरून नेलेले आहे आणि आम्ही तिथं नदीवर गेल्यानंतर त्या डोंग्यामध्ये पाहिल्यानंतर तिथं तांब्याचे बारीक बारीक कण त्या डोंग्यामध्ये आणि गोंधळीमध्ये सापडले आणि आमचे शेतकऱ्याचे 2 ह्या 8-10 दिवसाच्या पहिलेसुद्धा केबल चोरीनं नेलेले आहे। तरी आमच्या शेतकऱ्यावर चांगले जोरदार चौकशी करून त्या चोरांना जोरदार शिक्षा मिळाली पाहिजे असे आमच्या सगळ्या शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे। येथील शेतकरी असून माझा मोटर पंप 2010 पासून वैनगंगा नदीच्या काठावर आहे तरी या 15 दिवसात 2 माझा केबल 200 फूट कापून नेलेला आहे। आज नदीवर येऊन पाहता असं लक्षात आलं की सर्व केबल आमचे नदी काठावरील चोरीने गेलेले आहे।